ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। फुल मून के बाद की ट्विन फ्लेम एनर्जी न्यू एज, न्यू टाइमलाइन, न्यू थिंकिंग को अप्रोच करती हुई पिक हो रही है। कहते हैं ना, प्यार बदल कर रख देता है, बस यही हो रहा है। आप में से कितने लोग अपने ईगो से बाहर आ चुके हैं, जो पहले खुद को सुपीरियर समझते थे वो आज ईगोलेस पर्सन बन चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस आर अंडर वे, सो यू हैव टू लेट गो ईगो। आपकी एनर्जी अगर सेंस कर पा रही है, आप अगर अपनी एनर्जी भी सेंस कर पा रही हैं, तो कुछ बड़ा अच्छा और मैजिकल सा होने जा रहा है। ये आपके जहन में, माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर आ रहा होगा, तो उसे सच मानकर चलें। ट्विन फ्लेम जर्नी इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बट सो रिवॉर्डिंग टू। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आप ट्विन फ्लेम जर्नी में देखते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ लेसन्स देके जाते हैं। आप में से कुछ ट्विन फ्लेम पास्ट में आपने जो कुछ भी गलतियाँ की हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम के साथ या किसी और पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं आप जान पा रहे होंगे कि कितना गलत थे आप, या कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन दे दिया आपने उस वक्त। सो यू बिकमिंग इमोशनल, अब अपने इमोशनल, अब पहले से ज़्यादा इमोशनल बनते जा रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा, आप अपनी गलतियों से ही तो सीखेंगे। जो हुआ उसे फिर से न रिपीट करने की कोशिश करना सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में थोड़ा टायर्डनेस रहेगा, नींद ज़्यादा आ सकती है, थोड़ा ट्रिगर मिल सकता है जो ज़रूरी है एसेंशन के लिए। कुछ हेल्दी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। नर्वसनेस के साथ साथ होपफुल वाली एनर्जी दिख रही है, मतलब डीप डाउन आपको लगेगा एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट वेरी सून, जो होगा अभी। डीएम की बात की जाए तो बहुत बड़ा चेंजिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके साइड से। दे अपग्रेडिंग themselves अ लॉट। डीएम्स आर ऑल्सो ट्रस्टिंग द ट्विन फ्लेम प्रोसेस अनोइंगली। भले ही ट्विन फ्लेम टर्म ना मान सकें, नहीं जानते होंगे, पर इस प्रोसेस पर अनोइंगली ट्रस्ट ज़रूर करते हैं। ठीक वैसे ही आप डीएफ को भी बनना होगा। जस्ट सरेंडर एवरीथिंग एंड बिगिन योर जर्नी टूवर्ड्स अनकंडीशनल लव। ट्रस्ट करिए ईश्वर पर, खुद पर और इस जर्नी पर। इस जर्नी में मिले पेन का कुछ पर्पज़ होता है। हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन थोड़ा ज़्यादा करें आप डीएफ। डिवाइन मैस्कुलिन की माइंड में अभी सिर्फ ये बात चल रही है कि कैसे आपने उन्हें बदल कर रख दिया। योर एनर्जी ब्रिंग्स टू द सरफेस विद इन देम। इसके साथ ही जिन्हें लगता था कि कोई उन्हें बदल नहीं सकता, डिवाइन मैस्कुलिन को, ज्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन को ये लगता है कि उन्हें कोई बदल नहीं सकता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। थोड़ा ईगो माइंड, थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही ईगो माइंडेड होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। पर अब जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है, सोचते हैं कि एक पर्सन ऐसी है जो उन्हें टोटली चेंज कर दिया। डीएम के कुछ हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको परेशान भी कर सकता है, अगर आप ऑन एंड ऑफ आपके डीएम होते हैं, या अगर आप टच में हैं, या कन्फ्यूज कर सकते हैं उनका कुछ बिहेवियर पैटर्न। पर इसे टेक इट ईजी लें। ये रीडिंग ज़्यादातर उन लोगों को रेजोनेट करेगी जिनके डीएम बातों से कम और आँखों से ज़्यादा लव एक्सप्रेस किए हों या करते हों। दे कैन हैव स्पार्कलिंग, योर डीएम कैन हैव स्पार्कलिंग आईज एंड इम्प्रेसिव स्माइल। या फिर आप में से जिन डीएफ की आँखें और स्माइल बेहद खूबसूरत हो, बोलती आँखें या स्माइल में इनोसेंसी हो, ये रीडिंग 100% उनको भी मैच करेगा। क्योंकि चैनलिंग में जो फेस नज़र आया वो कुछ ऐसा ही था, स्पार्कलिंग आईज एंड स्माइलिंग फेस, बहुत ही ब्यूटीफुल इम्प्रेसिव स्माइल मुझे नज़र आई चैनलिंग में। आप डीएफ अभी हमिट मोड में हैं, आपको 2020 1212 1441 444 नंबर सिंक्रोनिसिटीज दिख सकते हैं ज़्यादातर। डीएम वांट्स टू ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा इंडिकेशन दे सकते हैं जिससे आप जान पाओ दैट दे आर ऑल्सो सेलिंग द सेम बोट। अभी डीएफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग डिवाइन फेमिनन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको लोअर वाइब्रेशन में ले जाना चाहेंगे।
आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स को मदरली फिगर लेडी के साथ या अपने माँ के साथ कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे में समझदारी से काम लेना होगा। चाहे कुछ भी हो, आप अपनी डिविनिटी ना छोड़ें। डीएम को भी उनके मॉम के साथ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन डीएम का भी देखा जा रहा है या आगे आने वाले कुछ दिनों में देखा जाएगा। ज़्यादातर डीएम को उनके माँ से ही ट्रिगर मिलता है। इस पूरे वीक डीएम को इमोशनल आउटबर्स्ट फील हो सकता है। अगर आप डीएम के कांटेक्ट में हैं तो इस फेज से गो थ्रू करने के लिए उन्हें पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने के लिए कहें। थोड़ा बहुत सेक्सुअल पुल भी ज़रूर फील करेंगे डीएम एंड डीएम बोथ। ऐसे में अपनी एनर्जी पर वर्क करें और माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें और मूल बंद प्राणायाम करें। अगर सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी हद तक सेक्सुअल अर्ज काफ़ी हद तक फील हो रही है, मूल बंद प्राणायाम करना बेहतर होगा। तो ये थी ओवरऑल चैनलिंग। और अगर इसके बाद की चैनलिंग 3-4 दिन बाद फिर से दी जाएगी, क्योंकि इंटेंस चैनलिंग अभी 3-4 दिन बाद और आने वाली है 11-11 पोर्टल से पहले। अगर आपको आपकी पर्सनल, ये तो थी कलेक्टिव ट्विन फ्लेम की एनर्जी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन आपके अपने रिलेटेड पर्सनल रिलेटेड चाहिए, करियर गाइडेंस या लव रीडिंग या लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशन जो डिस्कस करना आप चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, या ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क से रिलेटेड कुछ अगर आपको जानना है, तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फीस जानने के लिए, क्योंकि पर्सनल सेशन है, पर्सनल रीडिंग पेड होता है। इसके साथ ये चैनल यहीं पर एंड हो रही है। इस ब्लेसिंग्स के साथ कि आप भी अपना रियूनियन बहुत जल्द अचीव करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत खुश रहें आप सब, और ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को, और हिट करिएगा बेल आइकॉन बटन को भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।